नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोनमिश चैनल में। आप देख रहे हैं पालक की सब्जी। तो मैंने ये पालक को उबाल दिया था और मैं अब सिलपट्टे में इसको पीस रही हूँ। सिलपट्टे में पीसने से इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाते थे और वो बहुत ही टेस्टी लगता था। मिक्सी में इसका स्वाद इतना टेस्टी नहीं है जितने कि सिलपट्टे में है। अब ये हमने पीस लिया है, अब इसको अच्छी तरह पीसना है, इसको बारीक से पीस के अब उसको हमने उठाएंगे। अब हमने इसको उठा लिया है, हाथों की मदद से इसको उठाना है। इसमें डालेंगे एक प्याज, टमाटर, एक इंच अदरक का टुकड़ा और लहसुन की कली। अब हमने इसको काट लिया है, तेल गरम हो चुका। इसमें डालेंगे जख्या जो गाँव में होता है और बहुत ही अच्छा लगता है पालक की सब्जी में, क्रंची क्रंची स्वाद आता है इसका। और अब इसको हम डालेंगे, बहुत ही अच्छा होता है। अब इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां जो हमने काट ली थी और अदरक, इसको हल्का सा भूनेंगे, थोड़ा सा ब्राउन सा। प्याज डालेंगे, अब प्याज को ब्राउन होने देंगे। ब्राउन हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे टमाटर, अब अच्छे से भून चुके हैं टमाटर। अब ये हल्के फुल्के गल चुके हैं, इसमें डालेंगे फिर हम मसाले ऐड करते हैं। इसमें अब इसमें डालेंगे एक चुटकी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला हमने, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और नमक डाला, नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जितना भी आप चाहे खाते हैं जितना भी आप। इसको अच्छी तरह मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह मिला के टमाटरों को अच्छी तरह गलाएंगे जब तक कि पूरे पक ना जाए, ठीक है, मसाला अच्छे से तेल ना छोड़ दे, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे और पकाएंगे। ये अच्छी तरह भुन चुका है और इसमें हम ऐड करेंगे अब जो हमने वो पीस रखा था पालक, उबला हुआ पालक, इसमें हम ऐड करेंगे। और इसमें हमने ऐड कर लिया है उबला हुआ पालक और इसको अच्छी तरह मिलाएंगे हम। हमने इसको अच्छी तरह मिला लिया है और इसको थोड़ा सा हम पकाते रहेंगे साथ साथ में ही। वैसे तो पहले पक चुका था पर इसको अब प्याज टमाटर के साथ अच्छी तरह मसालों के साथ अच्छी तरह पकाएंगे। इसको हम अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा करके लो टू मीडियम गैस पे हम इसको अच्छे से पकाएंगे और इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। जो हमने सिलपट्टे में पीसा है ना तो उसका स्वाद इसमें बहुत ही ज़्यादा आता है सिलपट्टे में, इतना मिक्सी में नहीं आता स्वाद जितना कि सिलपट्टे में आता है। और ये पक चुका है और ये देखिए पक चुका अच्छी तरह, ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।